चेचा वतनी से खबर शामिल करेंगे, जहां पर नेशनल न्यूज़ की खबर ब्रेक करने पर सीटीएस की लीगल टीम 7 साल से ही बच्ची के घर पहुंच गई और जुल्म का शिकार होने वाली फैमिली से दुख का इजहार किया और हर तरह की लीगल एड के लिए तावन का यकीन दिलाया। जबकि नदीम हसन एडवोकेट और हारून रांझा एडवोकेट ने खसूसी तौर पर सीटीएस की डायरेक्टर मिस कैथरीन सपना और सीईओ आशीष सरफराज का पैगाम मुतासरा फैमिली को दिया कि हमारी पूरी टीम इस दुख की घड़ी में आपके साथ है और मुलजिम को सजा दिलवाएंगे और आपको इंसाफ फ्राहम करेंगे, क्योंकि हमें अपनी अदालतों पर यकीन है कि वो हमें इंसाफ फ्राहम करती हैं।